गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध। भारत में नारी के जीवन के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि हाय अपला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। कहने का मतलब ये कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध भारत में कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन समय से चल गया है। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध कौन सा अपराध है? जैसे एक महिला अगर किसी से पैन मांगती है पुरुष से और वो पैन नहीं देता, तो ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे मारपीट करना, हत्या करना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, बलात्कार करना, अपहरण करना, यौन शोषण करना आदि महिलाओं के विरुद्ध अपराध है। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध को हम तीन भागों में बांटते हैं, आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा। सबसे पहले लेते हैं आपराधिक हिंसा। आपराधिक हिंसा में बलात्कार, हत्या आदि शामिल है। घरेलू हिंसा में दहेज के लिए ताड़ित करना, दहेज के लिए हत्या करना, मानसिक तनाव देना या ऐसा व्यवहार करना जिससे महिला अपना घर छोड़ के चली जाए, ऐसे सभी अपराध घरेलू हिंसा में आते हैं। उसके बाद है सामाजिक हिंसा, जैसे किसी महिला के साथ छेड़खानी करना, ताने कसना, सार्वजनिक स्थानों पर या सब लोगों के बीच में उसका अपमान करना, उसे नीचा दिखाना आदि अपराध जो है वो सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो महिलाओं में अपराध जो है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपराधों की मात्रा बढ़ती जा रही है। और इन अपराधों की बढ़ती हुई मात्रा का कारण जो है, एक कारण हमारा मीडिया भी है। तो मीडिया के कारण भी जो है वो महिलाओं के विरुद्ध अपराध की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। जैसे चलचित्र है, टीवी पर आने वाले धारावाहिक है, ऐसे जो साधन है, इन साधनों से महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे सास का बहू को प्रताड़ित करना, तंग करना और उसे घर का कचरा समझना इत्यादि अवधारणाएं जो है वो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अंतर्गत आती है। तो यह थी जानकारी संक्षिप्त में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।